नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से आपको हर घर पाठशाला के माध्यम से अनेकों टीचर पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और भेज रहे हैं ताकि इस आपदा के समय आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, परंतु इसका फल तभी मिलेगा यदि आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, सुने और अपनी बुक में भी देखें कि ये वीडियोस हमारे सिलेबस में कहाँ हैं, कौन सा पाठ आज कवर करवाया गया, और हमारे द्वारा जो वर्कशीट दी जाती है उसको ज़रूर हल करें, तभी हम सभी के प्रयास सफल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपकी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ हाशियाकन की समझ का अंतिम हिस्सा करने वाले हैं, जिसका नाम है, जो हमारी विषय वस्तु है आज, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो पहले हम ये समझेंगे कि अल्पसंख्यक होते क्या हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने हाशियाकरण के बारे में समझा, हाशियाकरण के कारण क्या होते हैं, और आदिवासियों का विषय लेकर हमने ये समझा कि आदिवासी हाशियाकरण का शिकार क्यों हुए, कैसे हुए, क्या परेशानियाँ आई। तो आज हम अल्पसंख्यकों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अल्पसंख्यक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो संख्या में कम हो। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि संख्या कम होना। अब पूरे भारत में जिन समुदायों की संख्या कम है उनको हम अल्पसंख्यक कह देते हैं। इसमें मुस्लिम आ जाते हैं, जैन, सिख, अपने बौद्ध जो इन धर्मों के अनुयायी हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक हैं तो उन्हें हम बहुसंख्यक कहते हैं। पर ये तो हो गई पूरे भारत की बात, आप अपने गांव की बात करें। अगर आपके गांव में अचानक से, आप सभी मान लीजिए अपने हिमाचल के किसी गांव के बच्चे हैं, अचानक से किसी बाहर के क्षेत्र के, चाहे वो आप ही के धर्म के हों, परंतु अगर वो वहाँ आते हैं तो उनके साथ भी हमारा एक गैप रहता है, क्योंकि उनके रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं। मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश से परिवार आके हमारे साथ रह रहा है, या उत्तर प्रदेश का मोहल्ला है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मोहल्ला है, और वहाँ पर एक उड़ीसा का व्यक्ति आके रह रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा अलग सा महसूस करेगा। परंतु मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत में जितनी भी विविधता है उससे कुछ ना कुछ सीखें, एक दूसरे के रीति रिवाजों से सीखने को मिलेगा और हम और समृद्ध होंगे, हमारा कल्चर समृद्ध होगा, हमारी संस्कृति समृद्ध होगी। तो ये तो हाशियाकरण से निपटने के तरीके हैं। परंतु अब हम ये जानेंगे कि हम अल्पसंख्यकों के हाशियाकरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं रहती, सत्ता और संसाधनों की पहुंच जैसे मुद्दे भी इससे जुड़ते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। अब इस बात को समझेंगे कि संख्या में कम होने की वजह से कई बार वो अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाते या सही जगह पे नहीं पहुंचा पाते, तो संसाधन भी उन तक कम पहुंचते हैं, ऐसा कई जगहों पे देखने में आता है। इसलिए इस विषय वस्तु को आपकी पुस्तक का हिस्सा बनाया गया ताकि आप ये समझें और इन जो परेशानियाँ हैं इनसे हम निजात पा सकें। यहाँ पर हम विभिन्न समुदायों में से सिर्फ मुसलमान और हाशियाकरण, ये विषय वस्तु आपकी पुस्तक में दी गई है। तो एक आंकड़ा है, आपको पता है हर 10 वर्ष के बाद भारत सरकार जनगणना करवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से कितनी आबादी है, कितनी साक्षर है, कितनी निरक्षर है, कितनी सुविधाएं हैं लोगों के पास, उसी के हिसाब से आगामी योजनाएँ तैयार होती हैं। तो 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2 मतलब 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। अब इस पर भी हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अभी एक और आंकड़ा देखेंगे हम। तो आपने देखा जो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, और 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये पता चला कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर है 74%, उसमें आप देखिए मुसलमानों की कितनी है, कुल से बहुत कम है, बाकियों की लगभग लगभग बराबर है, हालांकि हिंदुओं में भी कम है, पर यहाँ पे इस समुदाय की साक्षरता दर बहुत कम है, ये भी पिछड़ने का एक कारण हो सकता है। अब जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं इस पर भारत सरकार भी पूरी नज़र रखती है। जब आंकड़े उनके पास आए होंगे या उससे पहले की जनगणनाओं में भी आंकड़े आए होंगे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कार्य किया और
मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, ये देखा, इन आंकड़ों से भी पता चला। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीके का क्वेश्चन भी बन गया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। इस कमेटी को जो कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, इसके क्योंकि अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर जी, तो इसको हम सच्चर कमेटी कह देते हैं, सच्चर समिति। तो सच्चर समिति ने क्या किया, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट दी। और अब उस रिपोर्ट से हमें जो पता चला उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जैसे जो हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा या दलित समुदाय के बारे में पढ़ा, उनके तक भी संसाधनों की पहुंच पूरी तरह से नहीं बन पाई, उसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों तक भी संसाधन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक शिक्षा ले पाते हैं, मतलब साक्षरता कम है, कम लोग स्कूल जाते हैं। तो क्योंकि दुनिया में हर किस्म की जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसका एकमात्र हल शिक्षा होती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के ज्ञान के चक्षु खोलती है। तो अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगी, स्कूली शिक्षा में ही अगर बच्चे नहीं जाएंगे, तो फिर वो सीधी सी बात है पिछड़ते चले जाएंगे। अब इस पिछड़ेपन के हाशियेकन के अनेक पहलू भी हैं, और जैसा कि आपको विदित है कि अगर आप फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास ऐसे समुदाय के लोग होंगे तो ये मुख्यधारा से अलग हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी का चलन ऐसा भी दिखाई देता है, तो यहाँ पे पहनावा भी थोड़ा सा अलग हो गया। अलग होना मतलब विविध हो गया। और यहाँ पे एक चित्र आपके स्क्रीन पे है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सच्चर समिति ने ही कुछ कहा, सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलत फहमियों को भी उजागर कर दिया। एक तो ये आ गया कि इन पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, तो इसलिए लोग उनको थोड़ा अलग मान लेते हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग जो पुराने ख्यालात के हैं वो उस तरह से हैं, बाकी सभी मुख्य धारा का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप देखिएगा कि आम तौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ मदरसों में ही पढ़ना पसंद करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब मुख्य धारा में जो सिलेबस सबको करवाया जा रहा है वही वो पढ़ रहे हैं, तो एक मुख्य धारा में आने लाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये व्यक्ति किसी अलग रेस का है, उसका शैक्षिक स्तर अलग है, सेक्सुअलिटी मतलब वो मेल है या फीमेल है, उसकी योग्यता अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसकी एथनिसिटी अलग है, उसका जेंडर अलग है, वो ऊपर आ गया, उसकी एज, अब जहाँ पे सारे 20-22 साल के लोग हों, वहाँ पे एक 80 साल का व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हो तो वो भी अपने आप को अलग महसूस करेगा। तो उसी तरह से ये सारे कारण बनते हैं, रेस, एजुकेशन, सेक्सुअलिटी, एबिलिटी, एज, जेंडर, ये सारे कारण बनते हैं हाशियाकरण के। अब इससे पार पाना है अगर हमने अपने देश को समृद्ध बनाना है और विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, तो हमें इसको पार कैसे पाना है, इस तरह से हम सभी एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हुए एक दूसरे से कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, और अगर कोई अलग है तो उसके साथ भेदभाव ना करें और मिलजुल कर रहें। यहाँ पे आप देखिए सभी समुदायों के लोग हैं, यहाँ पे आप देखिए सभी समुदायों के लोग इकट्ठे होकर अखंड भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए सभी धर्म एक हैं, सबकी शिक्षाएँ एक जैसी हैं, सभी मानव को अच्छी शिक्षाएँ देते हैं, उनको हम समझें। यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत एक तभी है, अखंड तभी है जब सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, उसके कपड़ों की वजह से किसी को अलग ना समझें, भाषा की वजह से अलग ना समझें, दाढ़ी की वजह से अलग ना समझें। तो इस तरह से हम हाशियेकन से निपट सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि हाशियेकन की वजह तो बहुत हैं, पर हम
हम यहाँ समाधानों पे चर्चा करेंगे, हम समाधान चाहते हैं, इसलिए आपको ये पाठ करवाया जा रहा है। तो वीडियो को आपने सुना, इसके बाद बुक में भी पढ़िएगा और इसके पश्चात वर्कशीट को जरूर हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।